गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम हमारे गांव के फॉरेस्ट में आए हुए, तो यहां पर देखिए बहुत सारे इमली के पेड़ है जो कि अपने आप ग्रो हुए हैं। इसलिए हम भी यहां पर आए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ बीज है इमली के, तो वो हम लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हम अभी यहाँ पर आए थे, तो अभी हम वो आपको दिखाते वहाँ चल के कैसे क्या करना है। देखिए तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। हमारे पास ये देखिए इतने कुछ बीज है जो कि इमली के है। देखिए यहाँ पर ये फॉरेस्ट है हमारे गांव का, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेड़ है जो कि किसी ने लगाए नहीं, अपने आप ग्रो हुए हैं। यहाँ पर बीज गिर गए थे, किसी ने खाके फेंके होंगे या फिर पंछी के थ्रू आए होंगे या फिर कैसे भी आए होंगे, तो ये अपने आप ग्रो है। इसको किसी ने लगाया नहीं है, ना कि इसको किसी ने पानी दिया है, ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसी वजह से हम भी कुछ बीज लेके आए। देखिए गाइस आप भी ऐसा करना चाहिए तो प्लीज़ कीजिए। जो बेर होता है फिर ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी कुछ इस तरह का कर सकते हैं। आप अगर आप पौधे अफोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास पौधे अवेलेबल नहीं है, कुछ बीज लीजिए आपके पास, अगर आपके पास है तो लगाइए या फिर खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगे नहीं होते। और इसको आपको बस ऐसे फेंकना नहीं है, थोड़ा सा मिट्टी खोद के उसमें बो दीजिए। अभी बारिश का मौसम है, बारिश पर अपने आप ग्रो हो जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए ये वाला है, उधर है दो तीन। तो हमारे गांव के फॉरेस्ट में उस साइड के एरिया में बहुत कम है, मतलब पेड़ बहुत कम है, तो हम उस साइड जाने वाले हैं और इस बीजों को कुछ लगाने वाले हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इतने सारे बीज है, बाल्टी भर के है। तो पिछले दो साल पहले हमारे यहाँ पानी फाउंडेशन का काम हुआ था हमारे गाँव में, तो इस तरह से गड्ढे बनाए गए बड़े बड़े, तो हम इसमें बो देंगे इन बीज को, तो ये अपने आप ग्रो हो जाएंगे। इसमें पानी भी जमा होता है। अभी रिसेंटली एक बड़ी बारिश हुई थी, तो उस वक्त ये अच्छे से मतलब मिट्टी अच्छे से गीली हो गई, तो अभी हम इसमें ये इतने सारे बीज है वो डाल लेते हैं हम दोनों और अच्छे से इनको सो कर देते। तो आप भी ऐसा कुछ करना चाहें तो प्लीज़ करिए, और हम जो हमारे काम कर रहे हैं आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अभी हमारा जो हमने जो बीज लगाए थे वो सारे लगा दिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं हमारे फॉरेस्ट का एक उस साइड का हिस्सा है जो कि बहुत घना है, मतलब जंगल जैसा है पूरा, बहुत बहुत सारे पेड़ है। तो उस साइड हम पहले कभी नहीं गए हैं, आज जाकर देखते हैं कैसा है और आपको भी दिखाते हैं उस साइड कितने पेड़ है, कितना घना है। मैं इससे पहले तो कभी नहीं गया हूँ, हमारे गाँव के बहुत सारे लोग आज तक तो नहीं गए। ठीक है गाइस, हमने जो अभी बहुत सारे बीज लगाए उसमें से 10 पेड़ भी आ जाए, पौधे भी ग्रो हो जाए, तो हमारे लिए बहुत है। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए, बहुत सारे अमाउंट में बीज लगाइए जिसमें से मिनिमम 5-10 2-3 भी ग्रो हो जाए तो भी बहुत है। तो आप भी ऐसा कुछ प्लीज़ करिए, आपके गांव में अगर फॉरेस्ट है या फिर आप आपके घर पे भी बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं उस साइड, देखते हैं क्या है उस साइड है वो फॉरेस्ट, तो आपसे हम वहीं पर मिलते हैं। सो गाइस देखिए अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो देखिए इस साइड कुछ ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, और अभी देखिए इस साइड नज़ारे में पूरा जंगल टाइप लग रहा है ना। नीचे से बैठ के देखिए पूरा उस साइड जंगल ही है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है, बाघ वाघ ना हो बस। नहीं यार, बड़े बड़े जंगलों में बाघ नहीं मिल रहे, यहाँ पर क्या खाक मिलेगा क्या। अरे वाह, गर्मी गिर जाता।
तो कुछ ऐसा भी है। ऐसा लग रहा है किसी फ्रूट का मतलब खेत हो बड़ा वस्ता। आ जा भाई, डर क्यों रहा है? देख लो भाई साहब, हम जंगल में आ गए पूरी तरह से। डर तो नहीं लग रहा है क्योंकि भाई ये गांव का जंगल है, यहाँ पर कोई मतलब खतरनाक जानवर तो नहीं होंगे, लेकिन घना है, थोड़ा बहुत डर है। तो गाइस अभी मैं हम खेत में जाने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। बारिश भी हुई थी, नीचे पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, कपड़े गंदे हो रहे, तो लेट चलते हैं अभी खेत में, मुझे जाना है, थोड़ा सा काम है, तो वहीं पे मिलते हैं हम। तो मैं अभी खेत में आ गया। हमारे जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर पीछे हमारी प्याज नर्सरी है, छोटी सी है, देखिए हमने एक रिसेंटली एक भैंस खरीदी है। ये नहीं, भैंस नहीं है, छोटी है अभी, ये बच्ची है, बच्ची नहीं लड़की, इसका हमें नामकरण करना पड़ेगा। अरे मार रही है मेरे को, तो मैं अभी इसको घुमाने ले जाता हूँ, थोड़ा खिला के इसको कुचलाता हूँ। तो अभी मैं खेत में ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, आपको बोर नहीं करूँगा ज़्यादा, मैंने वैसे इसका नामकरण करना पड़ेगा। इसका हमने अभी नाम नहीं रखा, 2 दिन हो गए इसको ला के। तो गाइस कमेंट में बताइएगा इसका नाम क्या रखना चाहिए हमें, तो कुत्ते बिल्ली वाला मत नाम कमेंट में करना, फिर भैंसों का गायों का जैसे नाम होता है ना उस टाइप का ज़रूर बताना हम इसका नाम रखें। यार ये तो मार रही है मेरे को, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी मुझे भाई, मत मार। खैर सो गाइस अभी मैं घर जा रहा हूँ, खेत का काम तो हो गया पूरा, लेकिन देखिए बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एक बार में भी नहीं आ रही है, और धीरे धीरे भी कंटिन्यू भी नहीं रह रही है। आती है, बाहर निकलो, फिर चालू हो जाते हैं, फिर अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो अभी तो रुकी है, देखते क्या होता है, बस हम भीग ना जाए। तो अभी हम घर चलते हैं, घर पे मिलते हैं, क्या होता है देखते हैं। आज देखिए अभी अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी बारिश, अगर हम भीग गए तो अभी अगर बारिश आ भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी हम भीग ही गए हैं, तो मौसम कुछ ऐसा है, हल्की हल्की बारिश आ भी रही है। चलो फिर आज भीग ही लेते हैं, जो होगा सो दिखा जाएगा। और हम रोड पे, कोई नहीं है रोड पे। चलो फिर मैं और मेरा भाई ये वहाँ पर, चलो।